तो क्या बोलते हैं अन्ना की बबली मेरी चकना गया, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना मेरा भाई। विजय दीखे माय ब्रो माय जी फ्रॉम मानखुर्द। भाई का गाना आ गया काफी टाइम बाद, भाई ने गाना बनाया दिल से तो अपन को भी दिल तक आया ला भाई। अन्ना तेरे में टैलेंट है यार, थोड़ा जोक सुसाइड भाई। अभी जस्ट गाना रिलीज हुआ है तो अपन देखते हैं गाना कैसा है। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सुमन और मुझे अन्ना के नाम से जानते हैं, और अपन अपन रिएक्शन रिव्यू बक्से खाते करते हैं। तो चलो मैं अक्षय दी करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बूम मॉम में बू स्मोक, ये दिल से दिल तक हार्ट ड्रिप। यो मैन यार कम ऑन मैन, ड्रिप मैन ड्रिप ड्रिप ड्रिप। बट ये जो डालेल है वो गुची का है क्या? अगर किसी को पता है तो प्लीज बता दो गुची का कि नहीं, क्योंकि ये लोगो तो मैंने कभी देखा नहीं। बचाओ दिल को करार नहीं, दिल मेरा फरार रेडियो से पास होते आज भी नला तबला सी वीडियो में देख ले आज भी हैशटैग में नो बक्सिस बोले दो किसको। ओहो ज्वेलरी मेरा भाई, ज्वेलरी मैन, लुक एट दिस ज्वेलरी, लुक एट दिस ड्रिप मैन। नाम बोला फरारी सी वीडियो में देख ले आज भी हैशटैग में नो बक्सिस बोले दो किसको भी छुट्टी नहीं ले सबको साइड में अच्छे से अच्छे लोग भाग ले झूठ नहीं बोलता जब या सबको बाकी को पार्सल लेना हो, पार्सल का मतलब जानते हो? मैं पहचानते जितने सब पीछे से गायब है बाकी को पार्सल फिर शक्ति दिशाएं में जानकारी देते लोग अपनी भी उसको जो जानते नहीं मेरे को फिर मार खा के चौकी में भागते इसे हार मेरे एरिया के बच्चे लोग रहे फिर कोई भी छूट पहले मारते अपने एरिया के बच्चे लोग फुल आड़े होते हैं पहले एरिया पहला ये ना गैंग शूट मैन टिप्पर लोग बहुत होते हैं भाई अपने एरिया में अपने भी आप कुछ तो इधर बार बोले ले अच्छा ये फिर से सुनना पड़ेगा एक बार बट गाना सुन दो भाई गाना का फ्लो द ड्रिल बीट माय फेवरेट काइंड ऑफ बीट बहुत ही सेक्सी बहुत ही डोप लग रहा है भाई विजय डीके भाई तो ऑलवेज इज लिट मैन इज लिट अरे ये वाला जो हुडी है ना मैंने काफी लोग के पास देखा यार, MCTSC के पास भी यही सेम वाला हुडी देखा मैंने, कम्युनिकेशन लिखा और कलर भी सेम है। तो या मैन ये सब एक ही है भाई, पुणे मानखुर्द थोड़ा कनेक्टेड ये सीन पूरा। आज भी डीओ से जाते हैं भाई अपन, लैम्बो फरारी भाई, एक दिन लैम्बो फरारी जरूर लोगे आप। कुछ तो स्टोरी बता रहे हैं अपन कुर्ते में और मेरा दिल है बुरखे में उसको लेके अपन टाउन जा रहे थे स्टारबक्स। यो मैन यो दिल मेरा सर्च करे तो मुझे स्पेक्स नहीं मिले तो सीन पूरा ब्लर। ये कुछ डिफरेंट सा लाइन था ब्रो। दूर से प्यारा दिख रहा नजदीक से घाने ब्रो, व्हाई इज शी अगली, शी माइट बी अगली एज फक मैन, इसलिए वटा भाई बोल रहे इसको वटा। बाकी नजदीक
समंदर में उसका किनारा, that's why I'm rated untouchable. गाड़ी ऐसी खूबसूरत चीज जिसे ऊपर वाले ने बड़ी शिद्दत से बनाई, टूटे को आसरा, खुशी को दुख, मुर्दे को कब्रिस्तान बनाई. प्यारे कैसी कुदरती देने जो दो दिन एक जान को मोहब्बत बना दे. फैक्ट्स ब्रो, देख रहा हूँ किसी के आने की जनाब, मेरा चना जरूर का दे, दिल को करा नहीं दिल मेरा फरा, रेडियो से बात होते आज भी लैम्बोना फरारी से वीडियो में देखे आज भी मानखड़ विजय डी के वो स्मोक अर्बन मंकी में. मेरे को भी शॉपिंग करना पड़ेगा यहाँ से अभी सेक्सी में. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई को बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई की भाई बहुत मेहनत कर रहे भाई और ऑलमोस्ट 300 के सब्सक्राइब होने वाले वहाँ के उनके. तो भाई प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, भाई को सुनो, क्योंकि लोग कितना जो बोले एमसी स्टैंड की तरह है, एमसी स्टैंड का वाइब आता है. नहीं भाई, अभी ये विजय डीके का एक अलग सा वाइब बन गया है, भाई ने अपना सेट कर दिया है. जो उनका स्टाइल है शायद उनसे मिलता होगा, बट जो भी है उन्होंने अपना अलग पर्सोना और अलग पर्सनालिटी बना ली है, तो उस चीज के लिए भाई को यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि है ना इतने सारे सीन में इतने सारे रैपर्स हैं और अपनी अलग जगह बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है भाई, ऐसा नहीं बनता. तो अपने आर्ट को फॉलो करके और अपने ही चीज को अच्छे से प्रेजेंट करके, यू नो, बहुत ही खूबसूरत वे में हमेशा प्रेजेंट करते हैं. अभी ड्रिल रैप, ड्रिल सीन बहुत ज्यादा यू नो पॉप अप हो रहा है, तो अभी यू नो भाई भी ड्रिल रैप में ज्यादा करके बढ़ रहे हैं और ड्रिल रैप भाई को बहुत ही अच्छा सूट करता है. तो कीप डूइंग योर थिंग मेरा भाई. बाकी अगर गाने के बारे में बात करें तो गाना भी अच्छा था. अभी मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने जा रहा हूँ, तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे. तो मैं भी विजय डीको को नोटिस कर रहा हूँ दो तीन ट्रैक से, क्योंकि भाई का जैसे जो बॉम्बे का डॉन आया था वो शायद पहला ड्रिल ट्रैक था भाई का, फिर उसके बाद एल एन 43 आया, फिर इसके बाद ये दिल से दिल तक. तो बॉम्बे के डॉन एक प्रॉपर यू नो ड्रिल मतलब गैंग वाला सीन था प्रॉपर, उसमें गैंग रैप था, गैंगस्टर रैप था, यू नो अपने एरिया के बारे में बात करते हैं, हुड के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली ड्रिल जो चीज है ना, वो ड्रिल का मतलब ही यू नो गैंग्स है, मर्डर, किलिंग, यही सब होता है उसमें, उसको साइड में रखते हैं अपन. तो भाई के दो तीन ट्रैक से मैं बात करता हूं बॉम्बे के डॉन में, कैसा कि प्रॉपर एक ड्रिल ट्रैक था, तो उसका सैंपल भी नॉर्मल ही था शायद. बट जो एल एन 43 से जो सैंपल आया था ना, सायराट वाला जो फ्लूट था, वो सैंपल यूज किया था. और इसमें भी शायद वो एक गाना है यार दिल को करा रहा है करके, तो शायद वो सैंपल मुझे उसका लग रहा है. और वो दोनों ट्रैक ना थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं, क्योंकि फ्लो भी सेम है और जो लास्ट में जो एंड में यू नो एक ड्रॉप आके फिर एक स्लो हो जाता है, एक मेलोडी में खत्म होता है, तो वो सारा चीज भी दोनों में सेम ही है. तो अभी अगर ऐसा देखा जाएगा तो एल एन 43 और दिल से दिल तक दोनों ऑलमोस्ट सेम ट्रैक के लगते हैं, क्योंकि सेम फ्लो है, लिरिक्स भले डिफरेंट है बट सेम फ्लो है और सेम बीट है और सेम एंडिंग भी है, मतलब उसका जो स्टेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है सब पूरे गाने का, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है. तो मुझे उस चीज का डर है कि विजय डीके भाई यू नो बाकी कुछ रैपर्स की तरह ना रिपीटेटिव ना हो जाए, क्योंकि इस सीन में ना रिलेवेंसी और यू नो वर्सेटिलिटी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि लोगों का जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, पता नहीं कैसे यार. बट अपना क्या, हिप हॉप टेल भी टाइम है 100%. कभी कभार आर्टिस्ट के पास कुछ चीजें होती है लिखने के लिए, बट आप पहले से सुनते आ रहे हो तो वही चीजें फिर से सुनोगे तो फिर आपको ऑब्वियसली रिपीटेटिव लगेगा. तो मैं जैसे विजय डीके भाई की बात कर लूं प्रॉपरली, तो पिछले दो ये और दो ट्रैक तो सेम ही लग रहे, तो मुझे ये डर है कि वापस वो रिपीटेटिव कंटेंट में ना चले जाए ना बाकी रैपर्स की तरह. तो मेरा भाई इतना ही कहना चाहता हूँ कि और म्यूजिक नया ट्राई करो, ड्रिल में भी बहुत फ्लोज है और यू नो ट्रैप, आप ट्रैप पे तो मास्टरी कर चुके हो अपने स्टाइल में, यू नो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा यू नो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो बाकी सबके आपके ट्रैक्स में, और या तो आप एक एल्बम निकाल दो या तो ईपी निकाल दो जिसमें नो काफी ज्यादा वेरिएशन दिखे आपके, यू नो वर्सेटिलिटी दिखे आपकी, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, ना कि यू नो सेम चीजें सुनने में बार बार. तो मतलब आप समझ लो, मतलब मैं कंस्ट्रक्टिव वे में बता रहा हूँ उस चीज को. बाकी कुछ नहीं यार विजय डीके भाई, हम तो आपको एंड तक सपोर्ट करेंगे, दैट्स फॉर श्योर. बाकी आप अपना कैसे काम करते रहना भाई, कीप ग्राइंडिंग, यू नो आप अपना हसल करते रहो, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे एंड तक, दैट्स फॉर श्योर 100%. तो चलो मैं, आप बताओ आपको कैसा लगा एक गाना, आप रिएक्शन और अपने भी कमेंट्स मुझे बता देना अगर यहाँ तक देख लिया है. तो चलो मैं अपने मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मजे कर रो, साइनिंग ऑफ, पीस.